नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज फिर एक और वीडियो में हमारे साथ है जनाब गुलाम वारिस साहब, जो कि उस्ताद मजू खान साहब के शागिर्द रहे और हैं तमाम ताउम्र रहेंगे भी। तो आज हम झप ताल में एक बहुत ही खूबसूरत एक और पलटा सीखने वाले हैं, जो कि लयकारी वाला पलटा है। बीच में लयकारी होती है। तो अब झप ताल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 मात्रा है, फिर भी आइडिया के लिए एक बार बता देता हूँ, 10 मात्रा में दो तीन का डिवीजन है। तो धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिरकिट धिन ना धिन धिन ना धिन। नंबर में अगर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। अब इसके अंदर जो पलटा है वो देखिए दुगुन और तिगुन की लयकारी का पलटा है। 5 मात्रा का एक फ्रेज होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर स्टार्टिंग की 2 मात्रा है सारे गामा, उसके बाद एक ही मात्रा में 3 अक्षर सारेगा मापामा गरेसा। तो आपने जब लिखना है तो आप सारे लिखेंगे, उसके नीचे एक हाफ सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे ताकि दुगुन का पता लगे। तो सारे गामा सारेगा मापामा गरेसा, दोबारा गौर से सुनिए, सारे गामा सारेगा मापामा गरेसा। ठीक है, अब इसको गाने का अंदाज क्या रहेगा वो देखिए। एक बार मैं सर को बोलूँगा कि एक बार आप मेरे साथ प्ले कीजिए, है ना। तो लय हम रखते हैं धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन। एक दो बार आप तबले के साथ ताली चलाइए ताकि लय दिमाग में बैठे। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना। चलाइए। अब देखिए ये जो बजा रहे हैं ये एकदम बेसिक ठेका है झपताल का, बट अभी आप थोड़ा सा भर के बजाएंगे ताकि एक वेरिएशन का भी सबको मालूम हो। ठीक है, धिन धिन ना ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। हाँ, क्या बात। अब देखिए गाना हम कैसे गाएंगे सब पे, जो हमारा पलटा है। सारे गामा स्टार्टिंग की पहली 2 मात्रा में, अभी अहिर भैरव के हिसाब से बता रहा हूँ, डी पिच पे गा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से गा सकते हैं और किसी भी राग में गाइए जिसमें सपाट आना जाना सातों स्वर लग रहे हैं। धिन धिन ना देखिए सारे गामा, उसके बाद सारे गा मापा मा गा रे सा, सारे गा मापा मा गा रे सा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लय समझनी होगी। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ना धिन धिन ना 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे भी बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लय अच्छे से समझ में आएगी। आइए सारे गामा पामा गरे सा, 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 सारे गामा पामा गरे सा। अब इससे आगे क्या बनेगा, रेगा मा पधा पा मा गरे। देखिए सारे गामा पामा गरे, सारे गामा पा रेगा मा पधा पा मा गरे। अब इसके आगे क्या क्या बन सकता है वो आपको खुद दिमाग लगाना है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। अब जैसे अगर मैं सारे गामा पा मा गा रे सा में गा रहा हूँ, तो जब ये अवरोह के हिसाब से गाऊंगा तो प से देखिए अगर मैं अवरोह करता हूँ तो कितना अच्छा लगेगा। एक बार मैं सा से आरोह का पैटर्न गा रहा हूँ और प से अवरोह का पैटर्न गाऊंगा। देखिए सारे गामा पा मा गा रे सा, पा मा गा रे, सारे गामा पा सारे गा, सारे गामा पा मा गा रे सा, पा मा गा रे, पा मा गा रे, सारे गामा पा। मजेदार है ना, ऐसी रे का आरो और ध का अवरो, ये आपको एक साथ गाना है तो बहुत आनंद आएगा। देखिए
सारे गामा सारे गामा पामा गरे सा सारे गामा। दोबारा सारे गामा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे पामा गरे सारे गामा पा रे गामा रे गामा पा धा पामा गरे धा पामा गा धा पामा गरे गामा पा धा। मजेदार है, एक बार दोबारा गाइए मेरे साथ साथ गाइए। धिन धिन सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा रे गामा पा धा पामा गरे धा पामा गा रे गामा पा धा सारे सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा। अभी दो तीन बार इसको बैक टू बैक सिर्फ सा से पा पा से पा मेरे साथ गाइए, बाकी अपना रियाज आप खुद कीजिएगा, ठीक है। सारे गामा धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन ना सारे गामा पामा गरे पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे पामा गरे सारे गामा पा सारे सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा। अभी मैं इनको सर भी बोल सकता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा फॉर्मल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट हम लोग यूजुअली एक दूसरे को भाई करके बोलते हैं, भाई जैसे ही हैं हम लोग। तो मैं भी भाई को बोलता हूँ कि आप मैं जिस तरह का पैटर्न गा रहा हूँ आप उस तरह का एक बार ठेका लगाइए कि झपताल में जैसे मैं कुछ लयकारी कर रहा हूँ, कुछ वेरिएशन गा रहा हूँ, तो झपताल में ही उसी अंदाज में उसी मात्रा में कुछ अलग अंदाज में इसको कैसे पेश किया जा सकता है। तो एक बार जब मैं गाऊंगा तो एक बार सीधा बजाएंगे, दूसरी बार में वेरिएशन बजाएंगे ताकि आप लोग फर्क पहचान पाए। सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा सारे गामा पामा गरे सा पामा गरे सारे गामा पा। तो आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत पैटर्न है, बहुत ही ऑड एंडिंग थी बट ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार।